हमारे जाने में तो वो रात को पढ़ी वड़ी नहीं है, जब से किताब खरीदी है ये आ रही है ना, तो उससे पूछते हैं कि कितना लिखी हो, बोलेगी ना कि कुल लिख दिए हैं, सब लिख दिए हैं, देखिएगा उसका रिएक्शन। तो दोस्तों मैं स्वाति का मजाक उड़ाऊंगा, देखिए कैसे मजाक उड़ाता हूँ, तो चलिए। हेलो गुड मॉर्निंग दोस्तों, कैसे हैं आप सब? आप सभी को मेरे यूट्यूब चैनल स्वाति ब्लॉग्स में स्वागत है। दोस्तों सुबह हो चुका है और हम लोग जा रहे हैं चाय पीने और नाश्ता भी उधर ही कर लेंगे। और इनको देखिए ताला बंद कर रहे हैं और यह हमको तेल दे दी है कि बुच्ची के सर पर तेल लगा देंगे आधा घंटा के बाद उधर। 7 बजे इसके सर पे रखते हैं, अभी 6:30 हो रहा, तो सोचे तेल ले लेते हैं डिक्की में। मेरी बाबू भी जग गई है। तो हम लोग एक जगह पे रुके हुए हैं चाय पीने के लिए, और उस एग्जाम में भी आए थे तो हम लोग यहीं पे चाय पीते थे बैठ के, तो वो गए हैं चाय लाने। और ये देखिए लेके आ भी गरम गरम चाय, यहाँ पर चाय बहुत बढ़िया मिलता है, लो चाय एकदम मस्त। सुबह सुबह चाय पीने में मज़ा आ जाता है, पी लेना बेटा। हम लोग यहाँ पे रुके थे चाय पीने के लिए, तो चाय तो पी लिए, तो चलिए कहीं देखते हैं नाश्ता मिलता होगा तो पैक करा लेंगे घर के लिए। चला जाए पैक करा लेंगे, खाइएगा। अब मिलेगा सुबह सुबह, सुबह सुबह एक बड़ी चीज़ मिलेगा भाई, छोला भटूरा। तो अब हम दोनों लोग आ चुके हैं कोचस चौक पर, देख लीजिए कोचस चौक है, और यहीं से स्वाति छोला भटूरा पैक करवा रही है ना। चार भटूरा हम लोग पैक करा रहे हैं, छोले भटूरे यहाँ दुकान है। छोला भटूरा कैसे भैया? 20 रुपये प्लेट है। तो 20 रुपये प्लेट है, तो हम 2 प्लेट यहाँ से पैक करवा रहे हैं। हम लोग खाना पैक करा के तो आ गए, और ये देखिए आते टाइम ये बड़ा सा बोतल भी ले लीजिए पानी का, क्योंकि यहाँ पे मोटर का पानी पीना पड़ता था। अच्छा नहीं लग रहा है यहाँ का पानी, कैसा तो लग रहा है, इसीलिए सोचे उतना पैसा जब लगा दे रहे हैं खाने में तो 20 रुपये के पानी में क्या है। हम लोग आरो का पानी ले लिए, देखिए बोतल लाए हैं। अब 2 दिन का छुट्टी हो गया तो हम खा रहे हैं छोले भटूरा, लेकिन ना हमको ना बनारस जैसा नहीं, ना वहाँ का अच्छा रहता है छोला भटूरा, यहाँ का अजीब लग रहा है। 20 रुपये का है लेकिन अच्छा नहीं लग रहा, वहाँ का टेस्ट अच्छा रहता है जो लंका पे मिलता है। खाना खा के तो थोड़ा देर आराम कर रहे थे, लेकिन अब हम लोग जा रहे हैं एग्जाम देने, क्योंकि 2 बजे से मेरा पेपर भी है, तो चलिए अब चलते हैं। ये देखिए बाबू सोई हुई है, स्वाति के लिए पानी हमेशा के जैसे, और बाहर हम रहेंगे तो ये पानी पियेंगे। चलिए आज मेरा फर्स्ट एग्जाम है, देखिए कैसा जाता है पेपर। दोस्तों हम लोग पहुँच चुके हैं अपने कॉलेज में, देखिए ये मेरा कॉलेज है, यही है, अभी गेट खुला भी नहीं है। ये देखिए काफ़ी भीड़ लगा हुआ है। हम लोग सेंटर पे तो पहुंच गए हैं, लेकिन टाइम से पहले ही आ गए हैं, 2 बजे से पेपर है, और टाइम अभी कितना हो रहा, 1:40 देख लीजिए, तो टाइम से पहले ही आ गए हैं, तो सब लोग गेट पे जमा हुए हैं, वहाँ पे काफ़ी सारा भीड़ है, तो हम लोग साइड में यहाँ पे बाइक पे बैठे हुए हैं, गेट खुल जाएगा उसके बाद हम जाएंगे। यह कॉलेज है SN कॉलेज खैरा, खैरा में हम लोग आए हैं, रोहतास जिला में है, बहुत काफ़ी भीड़ है देख लीजिए यहाँ पे, और गेट पे तो बहुत ज़्यादा भीड़ है, वहाँ खड़े होने का जगह नहीं है, तो इसलिए हम लोग साइड में बैठे हुए हैं। और सब अगू जाना तब लास्ट में जाना, तुम आराम से साइड में, सब लोग चले जाएंगे फिर लास्ट में हम जाएंगे। अभी अभी देखना है कि किस रूम में पड़ा है, कौन सा रोल नंबर है तुम्हारा? रोल नंबर से नहीं, ऑनर से पता चलता है। दरवाजा तो खुल गया, देख सकते हैं सब लोग अंदर जा रहे हैं, तो चलिए देख लेते हैं कि मेरा कौन सा रूम में पड़ा हुआ है। देखिए देखिए पॉलिटिकल साइंस है मेरा, और ये रूम नंबर 7 में पड़ा हुआ है, तो चलिए मुझे जाना होगा रूम नंबर 7 में, और दरवाज़ा भी देख सकते हैं खुल गया है। तो हम स्वाति को कॉलेज में छोड़ दिए और वो अंदर चली गई एग्ज़ाम देने, तो मैं एक जगह पर आया हूँ और यहीं पर बैठ कर दे सकते हैं, वहाँ पर बेंच लगा हुआ है और ऊपर छजा टाइप का है, तो धूप बड़ी तेज है, तो मैं सोचा कि यहीं पर बैठ कर 3 घंटे इंतज़ार कर ले रहा हूँ। तो अब स्वाति का एग्ज़ाम का ख़त्म होने का समय हो गया है, 2 बजे का गई है और 3 घंटा चलता है, मतलब 5 बजे उसका ख़त्म हो जाएगा। अभी समय 4:40 हो रहा है, देख लीजिए। हमारे जाने में तो वो रात को पढ़ी उड़ी नहीं है, जब से किताब खरीदी है तब से किताब मेरे जाने से पढ़ी उड़ी नहीं है, भले हम सो गए होंगे तो वो पढ़ी होगी, लेकिन चलिए वो आ रही है ना, तो उससे पूछते हैं कि कितना लिखी हो, बोलेगी ना कि कुल लिख दिए हैं, सब लिख दिए हैं, देखिएगा उसका रिएक्शन, ध्यान दीजिएगा उसकी बातों पर। तो स्वाति का एग्ज़ाम ख़त्म हो गया और सभी लोग अपने अपने घर जा रहे हैं, देख सकते हैं, और इधर बहुत भीड़ है, और ये इसको देखिए हम एग्जाम देख के आ गए,
कैसा गया एग्जाम? अच्छा, टाइम से पहले लिख के बैठ गए थे। हम बोले ना आप लोग से पहले लिख लेती है। चलो अब कहाँ चाहिए बताओ तो। घर घर। चलो बैठो। अपना एग्जाम तो दे लिए, चलिए रूम पे चलते हैं। और हाथ पूरा दर्द देने लगा लिखने पे, लेकिन लिख लिए। खूब लिखी है। चार सब्जेक्टिव था, एक ऑब्जेक्टिव था, तो ऑब्जेक्टिव में भी पूरा हो गया। वो तो दूसरे से मांग के लिखे थे और सब्जेक्टिव खुद से लिखे। और सबका क्वेश्चन का, तीन क्वेश्चन के आंसर पाँच पाँच पेज में दिए हैं, क्या साथ में दिए। एक बात बताओ, रात में पढ़ाई की हो? इसकी चोरी होता है। हम क्या बोले आप लोगों से? तो चलिए हम लोग चलते हैं रूम पे। बड़ा तेज है इस बात की। चोरी करने के लिए दिमाग चाहिए। हम स्वाति का एग्जाम दिवाकर घर आ गए और स्वाति आराम कर रही है। तो दोस्तों मैं स्वाति का मजाक उड़ाऊंगा, देखिए कैसे मजाक उड़ाता हूँ। तो चलिए चलते हैं। स्वाति क्या कर रही हो? बैठ है। कितना पेज लिखी हो? सच बोलना है, एकदम सच। चार ऑब्जेक्टिव, एक ऑब्जेक्टिव था, चार सब्जेक्टिव था। हाँ, सब्जेक्टिंग में तीन क्वेश्चन के आंसर पाँच पाँच पेज में, हर एक का सात पेज में। तो मतलब पेज घट गया है क्या? हाँ, 32 को पेज था, पेज नहीं घटा। तो मांगती तो मिल जाता ना, अगर पेज तो अगर तुम्हारा घट जाता तो। घट ही नहीं सकता, इतना मोटा कॉपी जैसा रहता है। मतलब तुम कितना पेज लिखी? 25। और लड़की सब कम लिखती होगी ना? 18-19। नहीं, मेरे सामने वाली लिखी थी 18, इधर वाला 20 लिखा था, लड़का था। हाँ, बाकी सबका मैं नहीं बता सकते। और बाकी ये 25 लिखे थे? नहीं, तो वो लोग जानते हैं, सजा सजा के लिख रहे हैं। हाँ, हम लोग बड़ा बड़ा जल्दी जल्दी लिखे, हम राइटिंग नहीं बैठा। बहुत तेज हो, हमारे भी हो ना। हाँ, सब लोग राइटिंग बैठा के लिख रहे थे ना। हमको दीदी बताई थी ना कि बीए में राइटिंग कोई नहीं देखता है, पेज देखता है। तो हम बड़ा बड़ा अक्षर में जल्दी जल्दी दूर दूर पर लिखते हैं, लेकिन आगे पीछे वाला का राइटिंग अच्छा था। तुम्हारा राइटिंग खराब था? तो हम बोल नहीं रहे। चलो एक बात बताओ, कौन सा विषय का एग्जाम हुआ है? ऑनर्स पेपर था। ऑनर्स पेपर था, तो एक कोई क्वेश्चन बताओ। हम पढ़े ही नहीं है, तो कैमरा हटा दो। कोई क्वेश्चन याद है? हटा दो। हम दोनों लोग कुछ देर तक आराम किए, लगभग एक घंटा आराम किए होंगे ना, थक गए। और ये सो गए थे। और अब हम दोनों लोग जा रहे हैं खाना खाने। टाइम कितना हो रहा है? 8:30 बजे। 8:30 हो रहा है, तो 9 बजे तक मार्केट रहता है, इधर दुकान खुला रहता है। 8 बजे बंद हो जाता है, तो चलिए देखते हैं मिलता है कि नहीं। अब बुटरी भी जा रही है ना, ये भी खाएगी आज, इसको भी खिलाना है ना बेटा। तो अब हम दोनों लोग आ चुके हैं एक होटल में, देख सकते हैं रेस्टोरेंट है ये, पता ना कौन रेस्टोरेंट है। हाँ, ये नया कोई रेस्टोरेंट है, तो हम सोचे कि चलो स्वाति बगल में ही है तो इसी के अंदर चला जाए। और यह रेस्टोरेंट कुछ ऐसा है, देख लीजिए। मेरा थाली है ना, थाली मिल जाएगा ना? हम यहाँ पे ऑर्डर कर दिए हैं, हाफ पनीर किए हैं, प्याज पनीर टू प्याज है, और दो नान है, दो रोटी है। खाना आ गया है, देख सकते हैं पनीर नान। तो चलिए चखते हैं कैसा लग रहा है। हम दोनों लोग यहाँ पर नाश्ता कर लिए और डिनर किए हैं। अरे वही हम नाश्ता बोलते हैं तो डिनर। अरे रे, नाश्ता सुबह में होता है, ठीक। हाँ, ब्रेकफास्ट को नाश्ता बोला जाता है। हाँ, रात के खाने को डिनर बोला जाता। हाँ, है 25 प्रणाली कराई है, तुमको समझा रही है दोस्त, कोई बोलने। अब कहाँ चला जाए बताओ? घर, रूम पे। घर कैसे? रूम पे। हम दोनों लोग नाश्ता करके रूम पर आ गए, अपने जिस लॉज में हम लोग रूम लिए उस लॉज के खेड़ी पर हम दोनों लोग चढ़ रहे हैं ना साथी। क्या पर खेड़ी पे? हाँ, खेड़ी ना बोला जाता है इसको, खेड़ी, सीढ़ी, सीढ़ी लोग भी कुछ लोग बोलते हैं, कुछ लोग खेड़ी लोग भी बोलते हैं, जानती हो सीढ़ी उसको बोला जाता है जिसको लोग पकड़ के चढ़ते हैं, नहीं होता है बांस वाला या लोहा वाला। खेड़ी के मतलब जिस पर लोग खड़ा होकर चलते हैं, जिस पर खड़ा होकर चल रहे हैं ना, तो इसको लोग खेड़ी बोलते हैं, समझ रही हो? ग्रामर में ऐसे ही होगा ना, कौन सा ग्रामर तो पढ़े हैं? 25 बना आज तुम जो बिना पढ़े लिख दी हो।
हम भी अब पढ़ेंगे कौन सा ग्रामर में खीढ़ी या सीढ़ी में हम पर बताया गया है। जहाँ तक मुझे लगता है आगे घूमने से तो अच्छा हवा बाहर वाला लग रहा। तो संगे हम लोग खाना खा के तो आ गए और हम कपड़ा भी चेंज कर दिए और ये देखिए हम बाबू का मालिश कर रहे हैं। यहाँ पे चींटी बहुत ज़्यादा है तो नारियल के तेल से बाबू मालिश होती है लेकिन यहाँ पे मालिश करना बंद कर दिए नारियल तेल से तो पाउडर से कर दे रहे हैं वरना चींटी लग जा रहा। 10 दिन तक पाउडर से ही करना पड़ेगा नहीं तो आ जाएगी इस पर भी चींटी लगेगी काटने। लेकिन मालिश करना ज़रूरी है ऐसे भी डॉक्टर बोलते हैं कि पाउडर से मालिश करो वरना फुंसी निकल जाएगा तो सोचे क्यों नहीं पाउडर से ही मालिश किया जाए 10 दिन तक। गर्मी भी बहुत ज़्यादा है। दोस्तों यही रही आज की वीडियो, फिर मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक के लिए गुड नाइट बाय।